Hi guys, namaskar and welcome back to my channel SAKA Rides. Hope you all are doing well. So guys, संडे है तो संडे मॉर्निंग मूड हो गया एक संडे राइड का. काफ़ी दिनों से कुछ राइड नहीं किया था, कुछ व्लॉग भी नहीं किया था, तो आज सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई में एक राइड हो जाए. तो ऐसे ही प्लान बना और प्लान हुआ है सिंचन लेक जाने का. तो सिंचन लेक आता कहाँ पे है तो केड़वा बीच सबको मालूम ही है. केड़वा बीच के 15 मिनट पहले ये सिंचन लेक है. काफ़ी वंडरफुल जगह है. तो आज हम जा रहे हैं सिंचन लेक. तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग पे. अगर आप लोग नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना. सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है. और हाँ, लाइक भी ज़रूर करना और क्या पता चलता है कि वीडियोज़ कैसे जा रहे हैं. तो मिलते हैं सीधा सिंचन लेक. और गाइस, अभी हम लोग है वैतरणा नदी के ऊपर. ये आप देख सकते हो, सुना होगा काफ़ी वैतरणा नदी के बारे में. तो ये ब्रिज वैतरणा नदी के ऊपर का. मुंबई का जो पानी का सोर्स है उसमें एक सोर्स वैतरणा भी है. मस्त रिवर है, बहुत बड़ा है. अरे वाओ यार, बढ़िया है रे ये तो. सो गाइस, लेक पे पहुंच गए. काफी मज़ेदार रोड था एंटायर ट्रिप में, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ. मैं कुछ मोटोव्लॉग कर नहीं पाया आज बिकॉज एक्शन कैमरा का मेमोरी कार्ड मैं घर पे भूल गया. तो कोई बात नहीं यार, लोकेशन बहुत बढ़िया है. तो लोकेशन पे आप ज़रूर आ सकते हो, मुंबई से ज़्यादा दूर नहीं है ये. सफाया रोड सबको मालूम ही होगा. अभी यहाँ से निकलते हैं और केड़वा बीच जाने की कोशिश करते हैं. थोड़ी भूख भी लगी है तो देखते हैं केड़वा बीच पे कुछ खाने मिला तो. वैसे यहाँ पे आसपास खाने के लिए ऐसा कुछ मुझे स्टॉल्स दिखे नहीं. लेक भी काफ़ी अंदर है जिसके वजह से मोस्ट ऑफ पब्लिक आता नहीं है यहाँ पे. आए तो कभी कभार संडे राइड्स के लिए बाइकर्स आए तो आज आते हैं वो. पर काफ़ी प्लेजेंट जगह है, मस्त है. सनी संडे मस्त एकदम. थोड़ी गर्मी अभी बढ़ रही है, सुबह ठंडा था बहुत. कुछ में गाँव है, अच्छा है. मतलब ओवरऑल कभी आने का प्लान हुआ तो आ जाना यहाँ पे. थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी करने मिलते हैं. मतलब वो जो रूट आप देख सकते हो थोड़ा ऑफ रोड है तो है, थोड़ा अच्छा है. चलो फिर मिलते केड़वा केड़वा बीच. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap, talking the truth. So guys, केड़वा बीच पहुंच गए हैं. शायद से एक सब्सक्राइबर मिलने आ रहे हैं अपने को. मतलब इंस्टा पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो इंस्टा पे फॉलो करो, अच्छे अच्छे पोस्ट रहते हैं. सिंचन लेक पे था तभी एक पोस्ट डाला सिंचन लेक का. तभी वो बंदे ने मेरे को बोला कि
भाई मिल सके तो मिलते हैं। केड़वा भी चाह ही रहा था, वो भी केड़वा का ही है, तो आ रहे हो मिलने, देखते अभी। पर हम तो केड़वा पहुंच गए। काफी ब्यूटीफुल और क्लीन बीच लग रहा है एकदम। ये यहाँ पे कॉर्ड बाइक्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर बाइक भी है शायद से, घोड़ा गाड़ी है, कैमल राइड भी है। अच्छा है, मस्त एकदम। आना कभी केड़वा बीच। सो गाइस, ये है कुणाल अपना सब्सक्राइबर, जिसने मेरे को इंस्टा पे पूछा कि भाई मिल सकते तो मिलते हैं, केड़वा में रहते हैं, थोड़ी बहुत बातें कर लेते। वो भी सब्सक्राइबर मिलते तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मतलब मालूम नहीं था ऐसे अंदर अंदर जगहों पे भी मेरे सब्सक्राइबर से अच्छा लगता है। तो कुणाल कैसे हो? एकदम। तो थोड़ी बातें करता हूँ और फिर वापस आता हूँ वीडियो पे। तो भाई कुणाल अपने को आज केड़वा घुमाने वाले हैं, तो लेके जा रहे हैं केड़वा फोर्ट, देखते हैं। मुंबई के पास, मुंबई से कुछ दूर इतना अच्छा जगह मैं एक्सप्लोर करूँ, इसलिए संडे राइड करता हूँ मैं, जरा अच्छा लगते, मूड भी फ्रेश होते। आज वीडियो साठी करायला लावले आहे की कसं काय? आज दोन्ही राईड पण आणि व्लॉग पण। सो गाइस, ये है केड़वा का फोर्ट। ये क्या है यार, शह गाइस, ऐसे जगह आते हो तो प्लीज कचरा मत डालो। तो इतना ही है फोर्ट, मतलब बेसिकली बचा हुआ टुकड़ा है ये फोर्ट का, आधा हिस्सा वो साइड है। तो ये थोड़ा बीच के थोड़े आगे आ गए हम लोग। क्या मस्त बीच है यार, फुल ऑन साफ सुथरा। ये शायद से कोरोना वायरस की वजह से भीड़ नहीं है आज इधर, तो ये भी काफी अच्छा पैक रहता है बीच संडे को। सो गाइस, लेक घूम लिया, फोर्ट देख लिया, बीच देख लिया, अब थोड़ी पेट पूजा की है, इसलिए अभी एक रेस्टोरेंट पे रुका हुआ है। ऑन द वे था, वेज नॉन वेज था, तो सोचा कुछ खा ही लेता हूँ अभी, लंच टाइम वैसे भी होने वाला है और बाद में ट्रैफिक का फील लगेगा, उसके वजह से रुका हुआ इस होटल पर। खाली वो ऑर्डर किया, देखते हैं अभी कैसे होता है। और कैसे आज राइड करने का बहुत मज़ा आया मेरे को सच में, मतलब आज ब्लॉगिंग तो यार जाने दो, पर
जो लोकेशंस में गया हूँ आज बहुत बढ़िया थे, सिंचन लेक, केलवा बीच, और फिर कोइंसिडेंस भी मेरा सब्सक्राइबर मिला, मुझे केलवा का फोर्ट भी दिखाने लेकर गया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ओवरऑल व्यू भी बहुत अच्छा है गाँव का, देखते हैं अभी थोड़ी पेट टू डे। तो होटल का नाम है होटल साईराज, तांदूरवाड़ी के यहाँ पे है, अपने किला तांदूरवाड़ी है, यहाँ पे बाजू में गाँव के तांदूरवाड़ी रखती थी, तो वहाँ के भी है होटल साईराज। तो गाइस खाना आ गया है, चपाती है, दाल है और चिकन है, कांदा और नींबू, चपाती मस्त गर्म गर्म है, थोड़ा रिफ्रेशमेंट, फटाफट बता दे कैसा है खाना। बढ़िया है, बढ़िया चिको खाना, चिकन को प्रॉपर हो गाउटी बोलते ना, गाउटी मजा आ गया, ऐसा संडे का होना था। ठीक है तो मिलता हूँ खाना खाता हूँ और फटाफट मिलता हूँ आपको। तो गाइस खाना खा लिया, खाना बहुत ही बढ़िया था, अगर कभी भी आप ये साइड आ रहे हो तो प्लीज़ ये रेस्टोरेंट पर रुकना, बहुत अच्छा खाना खाया था। और अभी इसी के साथ ये वीडियो भी हमको दिखा कर दूँगा, पेट भर के खा लिया, फिर आई वापस करके मुंबई जाना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और प्लीज़ ये वीडियो लाइक भी करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, सब्सक्राइबर्स बढ़ रही है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और बस अपना सफ़र चालू ही रहेगा। मिलना अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राइट से गुड टू राइट, जय हिंद।